तो गैज़ मैं हूँ कि आप देख रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस रिडक। तो गैज़ जिंदर महल के रिटर्न के रिगार्डिंग एक ऐसी अपडेट आई है जिसे कि सुनने के बाद आप सब खुश हो जाने वाले हो। तो ये वीडियो काफ़ी कमाल होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जरूर कैंड स्पेल लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले भी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गैज, मैं काफ़ी समय से बोलते आ रहा हूँ चैनल पर कि जिंदर महल का रिटर्न होगा। अभी भी मनी इन द बैंक से पहले मैंने दो तीन वीडियो डाली कि रिटर्न के बारे में। तो गैज अब यहाँ पे देखो, जिंदर महल का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जहाँ पे कि जिंदर महल ने बताया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी जल्द रिटर्न करेंगे और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है और जैसे ही विंस मैकमहन उन्हें कॉल करके बुला लेंगे तब यहाँ पे जिंदर महल का रिटर्न हो जाएगा। और देखो, जिंदर महल का स्टेटमेंट आया है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिटर्न काफ़ी करीब है। तो नेक्स्ट पेपर व्यू है गैस मनी इन द बैंक और रूमर्स भी काफ़ी लंबे समय से आ रही है और मैंने भी आपको काफ़ी बार चैनल पर बताया कि मनी इन द बैंक में जिंदर महल का रिटर्न हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जिंदर महल का रिटर्न मनी इन द बैंक 2020 में ही हो। और सेकेंडली गैस, अगर जिंदर महल का रिटर्न होता है तो काफ़ी तगड़ी हाइप क्रिएट होगी और वहाँ पे हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा। तो गैज फाइनली जिंदर महल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ बोला है। तो गैज आप क्या कहना चाहते हो जिंदर महल के स्टेटमेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और ये काफ़ी गुड न्यूज़ है जिंदर महल के फैंस के लिए। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जिंदर महल हमें देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में और आप सब क्या कहना चाहते हो वो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो गैज देखो, यही कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। हालांकि थोड़ा लेट हो गया, पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो इस वास्ते अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की और ये 100% कंफर्म है। जिंदर महल ने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि जैसे ही विंस मैकमहन का कॉल आएगा, जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें बुलाएगी, उनकी स्टोरी लाइन बन जाएगी, तब वो आएंगे। तो देखो, अब आप निश्चिंत हो जाओ कि जिंदर महल का रिटर्न काफ़ी जल्द होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लिया है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी आगे की 3-4 महीने की सोच के रखती है। तो जिंदर महल के रिगार्डिंग भी कुछ स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोच ली होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक में रिटर्न हो सकता है। और यही कुछ अभी तक की अपडेट थी। आप सबके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वाले वीडियो के लिए इतना था। ज़्यादा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।